खबर यूपी के जनपद बुलंदशहर के बीवी नगर थाना क्षेत्र की है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। एक ओर जहां यूपी सरकार नारी सशक्तिकरण व नारी सुरक्षा के लाखों दावे पेश करती है, वहीं ये दावे हमें धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आते। आए दिनों नारी की अस्मिता पर वहशी दरिंदे हमले कर रहे हैं, के लिए दर दर भटक रही है, थाने कोतवाली के चक्कर काट रही है, जबकि योगी सरकार ऐसे अपराधों पर सख्ती बनाए हुए है। और इसी सख्ती को देखते हुए बीबी नगर पुलिस ने प्रथम दृष्टया तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज लड़की ने बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित के साथ रेप जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया है, जिस पर SHO बीबी नगर ने पीड़िता को आश्वासन देते हुए कहा कि उसकी हर संभव मदद की जाएगी और आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। आरोपी लड़के अनुबाल भारती के छात्र बताए जा रहे हैं। अच्छा, आपने थाने में शिकायत की? शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने मतलब कि मेडिकल चेकअप की वजह से मैं डर गई थी, और मैंने कहा था कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, लेकिन उन्होंने बदतमीजी का समझा कि मेरे साथ छेड़खानी की है। मुझसे कहा कि तुम्हारे कोई शारीरिक संबंध है, लेकिन मुझे पता ही नहीं जो शारीरिक संबंध क्या है। मैंने सोचा कि लड़कों से बात की या फिर रिलेशनशिप है, मेरे को लगा कि शारीरिक संबंध ये है। उन्होंने लिख दिया कि शारीरिक संबंध कोई है नहीं, तो बताया कि ये मगर मेरे साथ रेप हुआ है और मेरे साथ तीनों ने जबरदस्ती की। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।